हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्णा रिवर के बारे में, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कृष्णा रिवर, ये चौथी बिगेस्ट रिवर है वाटर इनफ्लोस के मामले में, और इसका रिवर बेसिन एरिया गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र के बाद चौथे नंबर पे आता है। रिवर जो है 1288 किलोमीटर लंबी है। रिवर को हम लोग कृष्णा वेनी के नाम से भी जानते हैं, और ये मेजर सोर्स है इरीगेशन का, कहाँ के लिए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रीजन के लिए। एलिवेशन 1300 मीटर है, लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं हो रही, सब मत याद करना, क्योंकि ये सब एग्जाम से पूछा नहीं जाता है। अब हम सोर्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी रिवर का सोर्स होता है, क्योंकि हमेशा एग्जाम से सोर्स पूछा जाता है कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। देखिए, 75.6% कृष्णा बेसिन का एरिया जो है, इसका पानी जो है वो एग्रीकल्चर यूज में आता है, कल्टीवेशन यूज में आता है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब सोर्स देखते हैं। सोर्स इसका महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट का है महाराष्ट्र में। फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका सोर्स है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर का है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट का है महाराष्ट्र में। उसके बाद हमसला देवी, हमसला देवी का है कोडूरू डिस्ट्रिक्ट, कोडूरू के पास आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है इसका पानी। अब हम कृष्णा बेसिन देखेंगे। कृष्णा बेसिन जो है वो 2,58,948 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है, जो 8% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का। लार्ज बेसिन इसका कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन में लाया करता है। अब ये तेलंगाना स्टेट में एंटर होने से पहले कर्नाटक स्टेट से होकर गुजरती है ये रिवर। देखिए, अब डेल्टा समझिए। डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई रिवर समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में मिलने से पहले वो रिवर जो होती है वो बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है, तो वही डेल्टा होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, जब भी कोई रिवर समुद्र में मिलती है, तो वो रिवर समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, तो वही डेल्टा होता है। और इसका डेल्टा जो होता है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इंडिया का, और ये सतवाना, इश्वाकू, सुन डायनेस्टी के राजाओं का घर भी था। अब हम देखेंगे प्लेसेस एंड टेम्पल्स। देखिए, ये रिवर जो है वो हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है, हिंदू इसकी बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, माननीय है ये रिवर हिंदूज के लिए। और रिवर के लिए एक और बात कही जाती है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अपनी लाइफ में कोई गलत काम करता है, तो उसके बाद वो इस रिवर में एक बार नहा लेता है, तो उसके सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। अब कृष्णा पुष्कारम एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, ये 12 साल में एक बार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है कृष्णा रिवर के तट पे। अब ये रिवर जो थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रीजन से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं। देखिए, पहली होली प्लेस जो है कृष्णा रिवर की वो वाई में है। वाई जो है अपने महागणपति मंदिर और काशी विश्वेश्वर टेम्पल के लिए जाना जाता है, और इसके सात घाट है कृष्णा रिवर के तट पे। अब हम थोड़े डैम्स देख लेते हैं कृष्णा रिवर के पास। देखिए, धोम डैम, हिबारगी बैरेज, अलमाटी डैम, नारायणपुर डैम, भीमा डैम, जुराला डैम, सी साइलेंट डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये कुछ डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं। लेकिन सारे डैम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इतना क्वेश्चन आपसे डीप में पूछा नहीं जाएगा। देखिए, ये पहला और आखिरी वाला डैम याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाता है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है कृष्णा रिवर की? एक है तुंगाभद्रा, घाटा प्रभा, माला प्रभा, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं भीमा, मूसी और मुनेरू। अब एक नोट करिएगा, कृष्णा रिवर जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, मतलब ये ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है कृष्णा रिवर। कोयना जो है स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, जो अपने कोयना डैम के लिए जानी जाती है। देखिए, नॉर्थ में ये बालाघाट रेंज से बाउंडेड है, साउथ और ईस्ट में ये ईस्टर्न घाट से बाउंडेड है, और वेस्ट में ये वेस्टर्न घाट से बाउंडेड है। अब हमने बताया ना, 75.86% इसका बेसिन का पानी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज में आता है। अब हम पॉपुलर वाटरफॉल्स देखते हैं। देखिए, मनिक या धारा फॉल्स, गोकक फॉल्स, इथी पोठाला फॉल्स, कलाटी फॉल्स, मलेला तीर्थम फॉल, ये पॉपुलर वाटरफॉल्स है कृष्णा रिवर पे। लेकिन ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत याद करना, ये सब पूछे नहीं जाते हैं। तो ये दोस्तों लेक्चर था। अब देखिए, मैं कल से क्या करूंगा कि आपको एक लेक्चर में दो या तीन रिवर कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये रिवर का पोर्शन हम जल्दी कवर करेंगे, और जो न्यूज में रहती है वही रिवर कवर करवाएंगे। बहुत सारे रिवर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिवर का हम 10-20 दिन में कवर करवा देंगे, उसके बाद हम नेशनल पार्क की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी सीरीज है जो स्टार्ट करेंगे। तो कल हम दो रिवर आपके लिए कवर करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।